वहीं गुड़गांव में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को रोजगार देना अपना पहला लक्ष्य माना। हरियाणा बीजेपी युवा मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मनीष यादव ने रोड शो निकाला। गुड़गांव के सेक्टर 10 बीजेपी में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। उसके बाद गुड़गांव के शहर में रोड शो निकाला गया। मनीष यादव ने युवाओं को रोजगार और अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने आप लोगों के साथ मिलकर निरंतर संघर्ष किया और आपने मेरा साथ दिया है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज बहुत महत्वपूर्ण समय पे, जब प्रदेश में भी भाजपा सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सरकार है, तो मेरे पार्टी के हाईकमान ने मुझे प्रदेश के युवाओं की कमान सौंपी है। और जैसा कि हम निरंतर संघर्ष के समय भी कहते थे कि युवाओं की आवाज़ बनकर, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, युवाओं का हक दिलाने के लिए हम निरंतर तत्पर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए ग्रामीण स्तर तक जाकर युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार में अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कई बार तालमेल की कमी देखी गई है। ऐसे में प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष अधिकारियों के साथ कितना तालमेल बैठा पाते हैं और युवाओं को अपने साथ कितना जोड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।